Any guesses, guys? Who do we have here? We have Karisma. So your guess was wrong. Karisma is the icon, the legend. But we've got two legends for you. The legend on top of the legend. लेजेंड ऑन द टॉप ऑफ द लेजेंड। तो गाइज करिश्मा XMR फाइनली लॉन्च हो चुकी है एंड लॉन्च की गई है बाय ऋतिक रोशन। आप लोग सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है करिश्मा XMR का बहुत टाइम से वेट किया जा रहा था मार्केट के अंदर, तो फाइनली लॉन्च हो चुकी है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ चुकी है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन आ चुकी हैं, ठीक है। पहले जो करिश्मा आया करती थी वो थी 225cc की, यानी 225cc का इंजन आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो ये करिश्मा XMR लॉन्च हुई है इसमें आप लोगों को 210cc का यानी 210cc का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल रहा है। उसके साथ में ही अब ये जो इंजन है 6-speed गियरबॉक्स के साथ आने वाला है, यानी 6 गियर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आप लोगों को इसमें जो पावर देखने को मिलने वाली है वो है 25 BHP की। जी हाँ दोस्तों, 25 BHP की पावर आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाली है। उसके अलावा अगर हम लोग न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें तो इसमें आप लोगों को 20 Nm टॉर्क देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी टॉर्क इंजन ये होने वाला है। उसके अलावा अगर कुछ और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आप लोगों को LCD देखने को मिल रहा है। उसके साथ में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग और बात करें तो उसमें आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज की मार्केट में काफ़ी बाइक्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके व्हील्स की तो व्हील्स आप लोगों को 17 इंचेस के मिलने वाले हैं, दोनों ही ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को दोनों टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, साथ ही में ड्यूअल चैनल ABS का सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। सो गाइस, जो डिस्क ब्रेक का साइज है वो अभी कंफर्म नहीं करा गया है कि कितने डायमीटर का हम लोगों को इसमें डिस्क देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग प्राइसिंग की, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। तो इस बाइक का जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, स्टार्टिंग में जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 1.73 लाख। तो गाइज ये जो प्राइस है इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी स्टार्टिंग में ये प्राइस रहने वाला है, बाद में ये प्राइस जो है बढ़ भी सकता है, ठीक है। 1.73 लाख जो प्राइस है वो इसका एक शोरूम प्राइस है, वो भी दिल्ली के अंदर। तो कैसी लगी गाइज आप लोगों को करिश्मा XMR? इसके अंदर 2 से 3 कलर भी शोकेस किए गए हैं। एक तो ये येलो कलर देख पा रहे हैं, उसके अलावा एक रेड कलर शोकेस किया गया है एंड साथ ही में एक ग्रेइश ब्लैक कलर भी शोकेस किया गया है। तो आप लोगों का क्या कमेंट्स है करिश्मा XMR को लेकर, कैसे मार्केट में कम्पीट करने वाली है? उसके अलावा और भी कोई अगर आप लोगों को सुझाव हो करिश्मा XMR को लेके तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।